आज जो चीज हम सीखने वाले हैं, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। दिस पीरियोडिक टेबल इज प्योरली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर एंड प्रॉपर्टीज। ये याद रखिए, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक तो सारे के सारे एलिमेंट है वो अरेंज्ड है, बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी बहुत खास ध्यान दिया है। उसका रीजन ये है कि अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खास वो ध्यान रखिएगा, हमने कहा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो उसमें जो सबसे बाहरी पोर्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो अगर सेम है तो वो चीजों का, वो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ये ऑब्जर्वेशन था हेनरी मोस्ली, जे जे थॉम्सन एंड दमित्री मेंडेलिव का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना बहुत जरूरी इसलिए हो गया कि अगर वो आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, तो आप वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आता है वो विद इन अ सेकेंड्स डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो। उसके लिए थोड़ी बहुत चीजें हमने जो है वो सीखी थी। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1 to 7 पीरियड में क्या क्या है और 1 to 18 ग्रुप में क्या क्या है, और उसके ऊपर से हम कैसे ये पीरियोडिक टेबल में कोई एक्स वाई जेड एलिमेंट का पोजीशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, बराबर है, जो बहुत काम की चीज है। और उसके बाद में 4 अलग अलग ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट और सेकेंड कॉलम मिलकर एस ब्लॉक बनाते हैं, ये लास्ट वाले 6 ब्लॉक जो सॉरी ग्रुप जो है 13 to 18 वो मिलकर पी ब्लॉक बनाते हैं। बीच वाले जो 10 यहां पर आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं वो डी ब्लॉक बनाते हैं, और ये नीचे आइसोलेटेड 2 रोज जो है अलग जो है वो एफ ब्लॉक के नाम से जाने जाती है, बराबर है। क्यों वो हमें सीखना है, वो हम सीखेंगे। पहले तो हम देखेंगे ग्रुप्स में ये वर्टिकल कॉलम जो दिख रही है 18, उसे कहा जाता है ग्रुप्स, बराबर है। ये वर्टिकल कॉलम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अब ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है उसे हम थोड़ी देर के लिए टच नहीं करते। रीजन ये है कि दे बोथ आर एक्सेप्शनल केसेस, बराबर है। हम जो है वो बाकी के सारे एलिमेंट्स को अभी पढ़ेंगे। तो यहां पर अगर आप देखो तो लिथियम है, उसके बाद जो बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियम, ये सब पहले पहले मेंबर है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हाइड्रोजन और हीलियम हीलियम को थोड़ी देर हम भूल जाए तो ये जो ग्रुप है उसके अलग अलग नाम भी है। पहला जो ग्रुप है, पहली जो वर्टिकल कॉलम है, उसे एक और नाम से भी पहचाना जाता है, अल्कली मेटल्स। याद रखिएगा कौन से नाम से जाना जाता है, अल्कली मेटल्स, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दूसरा जो ग्रुप है उसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फर्स्ट को अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, सेकेंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है, बट उसकी कंफिग्रेशन क्या है, तो यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन के अलावा ये 6 एलिमेंट जो है वर्टिकली वो प्रेजेंट है। तो अगर आप सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो सबके नंबर आपको पता होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, क्योंकि एटॉमिक नंबर पता होंगे तो ही आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। लिथियम का है 3, सोडियम का है 11, पोटेशियम का है 19, रुबिडियम जो है उसका 19 प्लस 18 करो मतलब 37, 37 प्लस 18 करो मतलब 55, और 32 करो मतलब 87, बराबर। मैंने कैसे याद रखे वो देखो, 8 ऐड करना है, 8 ऐड करना है मतलब 2 बार 8 8, बाद में 2 बार क्या ऐड करना है, 18 18, और लास्ट में कितना ऐड करना है, 32 ऐड करना है। एटॉमिक नंबर में इतने इतने ऐड करते जाओ तो उसके नीचे वाले जो मेंबर है उसका आपको एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा, तो आपको सिर्फ एक का याद रखना है। और ये क्यों, तो उतने उतने मेंबर्स है वो रो में, बराबर है, इसलिए इतने नंबर आपको ऐड करने होंगे। बट
लिथियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, नंबर तीन है तो इलेक्ट्रॉन भी तीन, मतलब पहले किस में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1s2, और बाद वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा भाई, 2s1 में, 1s2 2s1, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 1s2 मतलब हीलियम कंप्लीट और 2s1, तो आउटर मोस्ट कौन सा सेल हुआ ये कोई कहेगा? तो देखो वन वाला तो ये पूरा भर गया, आउटर मोस्ट ये टू नंबर हुआ, सबसे बाहर वाला सेल ये टू वाला हुआ, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2s1, ध्यान देना खास। अब सोडियम की बात आएगी, सोडियम का नंबर 11, तो आप क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6, देखो 10 हो गए, 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 3s, टोटल 11 होने चाहिए, तो 10 तो हो गए, यहां पर एक एड होगा तो कितना होगा, 11। आप या तो इस तरीके से लिखोगे या तो क्या लिखोगे, नियोन कंप्लीट, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन नियोन में आ जाते हैं, और बाहर कौन होगा, 3s1। तो देखो सबसे बाहरी सेल कौन सा है, तो थर्ड वन, बराबर, तीसरा सेल जो है वो सबसे बाहर होता है, एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो भरे हुए में से, और यहां पर भी 3s1। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है, वो ये पोटेशियम देखो, तो आप क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6, बाद में 3s में जाते हैं तो 3s2 3p6, और 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जाता है भाई, 3d में जाता है या 4s में, 4s4s में सर, में 4s जाता है, सही है, तो ये 4s1 हो जाएगा, 3d भले बीच में आती है बट इलेक्ट्रॉन पहले 4s में एंटर होता है। तो सबसे बाहरी सेल कौन सा हुआ, तो ये 1 2 3 तो अंदर वाले सेल हो गए, फोर्थ वाला ही सबसे दूर होगा, तो आउटर मोस्ट सेल होगा 4s1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन कंप्लीट, क्योंकि आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 19th वन कहाँ होगा, 4s1 में, तो ये आउटर मोस्ट। आपने पैटर्न नोट की होगी, देखिए आउटर मोस्ट इसमें 2s1 है, इसमें 3s1 है, इसमें 4s1 है, इसका मतलब ये जो पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, सबसे पहला ग्रुप है, उसमें कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, तो N s 1, ये एन का मतलब है सबसे बाहर वाला ऑर्बिट जो है उसका नंबर, तो वो NS1 जो है वो 1s1 भी हो सकता है, तो हाइड्रोजन भी आएगा उसमें, अगर वो 2s1 है तो लिथियम आएगा, अगर 3s1 है तो सोडियम आएगा, 4s1 है तो पोटेशियम आएगा। तो अब आपको पता चल गया ना, लिखो दो भी, कि पोटेशियम के बाद जो रूबिडियम है उसकी सबसे बाहरी सेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, 5s1, बराबर है, रूबिडियम के बाद सीजियम है तो क्या होगी, 6s1, और फ्रांसियम में क्या होगी, 7s1। तो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या है पहले ग्रुप की, तो ये 1 2 3 4 को आप कॉमन गिनो तो एन कह दो, तो वो क्या होगी, NS1 इज द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर वन, ये याद रखिए। अब आपने एक चीज मार्क की, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ, आप देखो एस में, यहां पर भी एस में, यहां पर भी एस में, तो सारे के सारे जो है वो एस में एंटर हो रहे हैं। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो ऐसे है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है किस में, तो एस ऑर्बिटल में एंटर होता है। तो खास याद रखिए, जो ब्लॉक का एलिमेंट होगा जिस ब्लॉक का एलिमेंट होगा उस पर दिया गया एलिमेंट एस ब्लॉक का मेंबर है, तो आपको समझ लेना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा होगा, एस ऑर्बिटल जो है उसमें एंटर हो रहा होगा, खास याद रखिए। अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में एंटर हो रहा होगा, पी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा होगा, बराबर है, या तो उल्टा याद रखिए कि जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो ब्लॉक में वो एलिमेंट पाया जाता है, बराबर है। तो एस ब्लॉक जो है वो दो ऑर्बिटल से बना हुआ है, कौन कौन से दो ऑर्बिटल, एक NS1 और NS2, ऑर्बिटल मतलब दो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें, एक ऑर्बिटल भले ही है बट दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ग्रुप भी दो, वैसे ही पी ऑर्बिटल जो है वो तीन सब ऑर्बिटल से बने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होने के कारण उसके जो ग्रुप के नंबर है वो भी कितने हैं, 6, 13 से लेकर 18, 13 14 15 16 17 एंड 18, ये 13 नंबर जो दिख रहा है
जो बोरोन वाला ग्रुप है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो ये सारे जो एलिमेंट है उसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी 13 ग्रुप की, या सेकेंड ग्रुप की क्या होगी, वो सब आपको देखना है। फर्स्ट का हमने कह दिया NS1, सेकेंड को अगर आप देखने जाओ, सेकेंड में बेरिलियम आता है, बेरिलियम के नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है, कैल्शियम आता है, देन स्ट्रोंथियम आता है, बेरियम आता है। बट ये सब में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठो, 1s2, 2s2, इसका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, क्योंकि इसका नंबर 12 है, इसका नंबर 20 है, बराबर है। तो ऐसे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है, देखो एस में, इसमें भी एस में, तो इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल देन दैट एलिमेंट मस्ट बी इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वो एस ब्लॉक में ही होगा। एस ब्लॉक मतलब या तो पहले ग्रुप में या तो दूसरे ग्रुप में, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉमन आ रही है, देखो एक में 2s2 आया तो दूसरे में क्या आया, 3s2, इसका मतलब नेक्स्ट में आपको पता चल जाएगा क्या आएगा, 4s2, उसके बाद में क्या आएगा, 5s2, उसके बाद में क्या आएगा, 6s2, तो 1 by 1 जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके ऊपर से आप पूरा का पूरा ग्रुप कौन सा है या ग्रुप में एलिमेंट कहाँ है वो पता लगा सकते हो, बराबर है। तो ये सेकेंड ग्रुप जो है उसकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर कोई आपको पूछे, देन यू हैव टू राइट NS2, सेकेंड ग्रुप शोज कॉमन कॉन्फ़िगरेशन लाइक NS2, मतलब इट मे बी 2s2 और 3s2 और 4s2 और NS2, तो वो NS2 है, वो आपको याद रखना है। और सबके जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन है, सेम ग्रुप में इसीलिए रखे हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, कॉमन होनी चाहिए। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है एस में, तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट भी है और कॉमन कॉन्फ़िगरेशन NS2। क्या नाम दिया था जरा याद करो, सेकेंड ग्रुप का नाम मैंने क्या कहा, एक और नाम अल्कलिया दिया हम, हाँ वेरी गुड, अल्कली अर्थ मेटल, और फर्स्ट ग्रुप का एक और नाम है अल्कली मेटल्स, बराबर है। तो ये नाम भी याद रखिए, अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सिर्फ अल्कली अर्थ मेटल्स नहीं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपको याद रखना है। ये 13 से 18 वाला जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, वो हम देखते हैं। 13th ग्रुप जो है, बीच वाला हम बाद में लेते हैं, बराबर है। 13th ग्रुप जो है वहां से लेकर 18th ग्रुप तक हम कॉमनली उसे कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बराबर है, उसे हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। बट हम सिर्फ ग्रुप वाइज अभी देख रहे हैं, तो 13th ग्रुप जो है उसमें बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थेलियम आता है। बोरोन का नंबर क्या है याद करिए, एटॉमिक नंबर, हाँ। फाइव सर एल्यूमिनियम का क्या है, 13, बराबर है। तो ये जो नंबर्स है उसके ऊपर से आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिखना चाहो, तो बोरोन के लिए कुछ ऐसा लिखोगे आप, 1s2, 2s2, तो 4 तो हो गई, 5th वन कहां पर आएगा, 2p1, बराबर है। या तो आप ऐसा लिखोगे, हीलियम कंप्लीट, 2s2, 2p1। एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब देखो 12 हो गए, लास्ट किस में एंटर होगा, 3p में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी ऑर्बिटल, सो दिस एलिमेंट शुड बी इन द पी ब्लॉक एरिया, मतलब 13 से लेकर 18 ग्रुप में कहीं ना कहीं वो पाया जाएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है पी ऑर्बिटल में, इसलिए वो पी ब्लॉक का मेंबर होगा। और कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रही है आपको, आउटर मोस्ट सेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रही है, देखो आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी सेल, तो ये 1 और 2 तो पूरे भर गए, आप देखो ध्यान से, ये 3 वाला जो है वो इसमें आउटर मोस्ट है। यहां पर देखो बोरोन में तो 1 वाला पूरा भरा हुआ है, 2 वाला आउटर मोस्ट है जो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो आउटर मोस्ट सेल की कॉन्फ़िगरेशन इसमें होगी 2s2 2p1, उसके बाद वाले में होगी 3s2 3p1। अब आप नीचे लिखते जाओगे तो आपको पता है क्या आएगा, 4s2 4p1, देन 5s2 5p1। बट इसको आप लिख क्या सकते हो, कॉमन लिखना है आपको कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या लिखोगे, 13th ग्रुप की
NS2NP1। 13 ग्रुप की कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2NP1। इट मे बी 3S2 3P1, 4S2 4P1। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, एक एक जो है वो आउटर मोस्ट सेल का नंबर बढ़ता जाएगा। 14th ग्रुप की क्या होगी आपको बताना है, 14th ग्रुप की कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। 13 की तो हमने लिखी, चलो 14th ग्रुप में पहला मेंबर कौन आता है, याद है किसी को? बोरोन के बाजू वाला नंबर 6, किसका नंबर 6 है? नाइट्रोजन। कार्बन है, बराबर है। कार्बन जो है उसका नंबर 6 है, उसके नीचे कौन आता है? तो वो एल्यूमिनियम के बाजू वाला होगा, क्योंकि हम बाजू का ग्रुप ले रहे हैं, तो 13 के बदले 14। 14th नंबर पर कौन आता है, याद है किसी को? मैंने 1 to 20 नाम याद रखवाया है आपको। सिलिकॉन, वेरी गुड, सिलिकॉन होगा। उसके बाद कौन होगा? तो जर्मेनियम होगा, बराबर। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, ये सारे जो एलिमेंट्स आते हैं ये ग्रुप में, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो कार्बन का नंबर 6 है, तो आप पहले क्या लिखोगे? 1s2, बाद में क्या आएगा? 2s2, एंड लास्ट वन क्या आएगा? 2p2। या तो आप ऐसा लिखोगे, हीलियम कंप्लीट और आउटर मोस्ट सेल क्या है? 2s2 2p2। वैसे सिलिकॉन के लिए क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। या तो आप ऐसा लिखोगे, नियॉन कंप्लीट आएगा ना, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएंगे, तो आउटर मोस्ट सिर्फ क्या रहेगा? 3s2 3p2। तो इसके ऊपर से कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे भाई? पूरे 14 ग्रुप की कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अगर कोई पूछे तो आप क्या लिखोगे? NH2NP2। वेरी गुड, NH2NP2। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर 13th ग्रुप है, उसकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 है, 14th ग्रुप जो है उसकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2 है, तो अब तो आपको एक सीरीज मिल गई। 15th ग्रुप का क्या होगा? NH2NP3। हाँ, ये कहां तक जाएगा कोई कहेगा? NP6। तो 16th ग्रुप जो है उसका होगा NH2NP4। 17th ग्रुप जो है उसका होगा NH2NP5। और 18th ग्रुप होगा उसका होगा NH2NP6। अब जो नया वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो पी के बाद फिर से एस में जाएगा, बराबर है। तो ये 18th के बाद 19th वाला है, वो वापस एस ब्लॉक का मेंबर होगा, जो ऊपर हमने देखा है, बराबर है। तो यहां पर जो हमने देखा वो पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन है। ये तो इंडिविजुअल ग्रुप की हुई, आप देखो कि 13th की है, 14th की है, 15, 16, 17 एंड 18। अगर कोई आपको यह पूछे पूरे पी ब्लॉक की क्या है कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको क्या लिखना चाहिए? देखो सब कॉमन क्या आ रहा है वो देखो, NH2 सब में है, तो हाँ आपको लिखना है NH2। एनपी में क्या वेरायटी है, तो आप लिखोगे NP1 से लेकर 6 तक, 1 to 6। सो वी हैव टू राइट हियर दैट द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होल पी ब्लॉक इज NH2 NP1 to 6। इट मे बी NP1, मे बी NP2, बराबर है, बट NH2 तो सब में हो गई। तो P ब्लॉक का कोई इंडिविजुअल ग्रुप पूछे तो वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अगर आपको पूरे P ब्लॉक की पूछे तो आपको ये लिख देनी है NH2 NP1 to 6। लाइक दैट व्हाट शुड बी द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक, कैन एनीवन से दैट? S ब्लॉक की पूरी, हाँ NS1 2, वेरी गुड, मतलब आइदर NS1 और 2, क्योंकि दो ही तो ब्लॉक है, और सॉरी ग्रुप है इस ब्लॉक में, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, मतलब अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक का NS1 है और दूसरे का कॉमन क्या है? NS2। तो आप क्या लिख सकते हो? NS1 और 2, दो में से कुछ भी हो सकता है। तो ये एस ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आ गई पूरे की। वैसे ही डी ब्लॉक जो है बीच में, उसमें कितने ग्रुप है? तो टोटल 10 ग्रुप है वहां पर, आप देखिए 1 and 2 तो एस ब्लॉक में आ गए, 13 से लेकर 18 जो है वो पी ब्लॉक में आ गए। इसका मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक के मेंबर्स है हमारे पास, बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ग्रुप्स आर देयर।
ये 10 ग्रुप जो है, और 10 ग्रुप क्यों है कोई कहेगा मुझे? एस में 2 क्यों है, पी में 6 क्यों है, वो हमने कहा, तो डी में 10 क्यों है वो पता चल जाएगा आपको। वाई जी देर सर, आर वो 10, पांच हाँ ऑर्बिटल्स होते हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वेरी गुड। डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो डी ऑर्बिटल के 5 टाइप होते हैं, हमने ऐसा कहा था, बराबर है। और ये हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है डी ऑर्बिटल है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक ग्रुप है, कि कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन है, कोई ऐसा है जिसमें 2 आए, वैसे 10 तक आ सकते हैं। तो ऐसी वेराइटी वाले जो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं उसके लिए एक अलग अलग ग्रुप दिया है, तो टोटल 10 वेराइटीज वहां पर मिलती है। तो ग्रुप भी कितने हैं, अलग अलग 10 ग्रुप डाले गए हैं। उसमें हमने 21 से 30 तक जो है वो पीरियड लिया था। अभी तो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो पीरियड है, बट 21 से लेकर 30 में जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए हैं वो ऐसे हैं, या डी ब्लॉक पूरा जो है उसमें ऐसे एलिमेंट है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता होगा, डी ऑर्बिटल में, इसलिए वो डी ब्लॉक के एलिमेंट से, ऐसा हम कह सकते हैं, बराबर है। तो ऑलवेज ये याद रखिए, जो ब्लॉक का एलिमेंट है वो वाली ऑर्बिटल में उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, स्कैंडियम जो है उसका नंबर है 21, बराबर है। स्कैंडियम का नंबर कौन सा है, तो 21 है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आर्गन कंप्लीट। अब मैं पूरा नहीं लिखने बैठता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा जाएगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ गए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बराबर है। तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 3p के बाद में तो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाते हैं, 4s में। अब यहां पर तो 18 आ गए, आर्गन मतलब 18 आ गए, तो 19 एंड 20 दो इसमें जाएंगे। अब 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं जरा याद करो, तो 3D 3d में, वेरी गुड। 3d में कितने आएंगे, तो 20 तो चले गए, अब एक ही तो बाकी है 21 में, तो वो आएगा 3d में। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इनटू डी ऑर्बिटल, सो वी कैन से दैट स्कैंडियम शुड बी इन डी ब्लॉक एलिमेंट। बट आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, आप देखिए 4S2 4 है, बराबर है। तो आउटर मोस्ट को एन कहना है, हमने ये सीखा है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो NS2, और ये इसे अगर एन कहते हो तो ये 3 को क्या कहोगे मैथमेटिकली, आप जरा प्रैक्टिकली सोचो, अगर ये एन है, 4 जो है वो एन है, तो 3 को क्या कहोगे आप, N-1 वेरी गुड, एन माइनस वन डी वन। ये स्कैंडियम जो है वो थर्ड ग्रुप में है, तो थर्ड ग्रुप के जितने भी मेंबर है जिसमें स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनॉइड सीरीज का पहला लेंथेनम और एक्टिनम है, ये जो है वो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, एन माइनस वन डी वन। एन माइनस वन का मतलब है अंदर वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, क्योंकि सबसे बाहर वाली तो कौन सी है, एन एस टू, बराबर है। और एन मतलब आउटर मोस्ट सेल का नंबर, तो वो तो 4 है। तो ये अंदर की ऑर्बिटल बाद में भरती है, बाहर वाली पहले भरती है, इसलिए ये जो एलिमेंट्स है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, याद रखिए। क्या नाम दिया जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स जब इलेक्ट्रॉन की लेन देन करे, डोनेट करते हैं और आयन्स बनते हैं, तो जनरली ये कलरफुल होते हैं, ये याद रखिए। ये एलिमेंट्स के आयन्स जो है वो कलरफुल होते हैं, जैसे कि यही सीरीज में कॉपर भी आता है, 29 नंबर का एलिमेंट है, तो कॉपर भी कलर्ड है, बराबर है। आयरन आता है यही सीरीज में, तो आयरन भी कलर्ड है। तो ये सारे एलिमेंट जो डी ब्लॉक के है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट कहे जाते हैं, वो जनरली कलर्ड होते हैं, वो आपको याद रखना है, बराबर है। तो ये डी ब्लॉक जो है उसमें ये स्कैंडियम की बात हुई, स्कैंडियम के नीचे इट्रियम नाम का जो है वो एलिमेंट आता है, वाई उसे कहा जाता है, सिंबल उसका क्या है, वाई है, ये याद रखिए, बराबर है। बट उसका भी जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है, 4d1 5s2, तो ये बाहर आता है, 5s2 मतलब आउटर मोस्ट सेल। तो इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो NS2, और आगे क्या आएगा, एन माइनस वन डी वन। तो ये जो है वो थर्ड ग्रुप की
कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर है। फोर्थ ग्रुप में आप जाना चाहो बाजू में, तो अब आपको पता है क्या होगा, एन माइनस वन डी टू हो जाएगा। आपको मुझे ये बताना है कि सिक्स्थ ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्योंकि आपको थोड़ा रिवीजन किया है, वो मुझे पक्का हो जाए आपने रिवीजन किया या नहीं। मैंने आपको पूछा है सिक्स्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप में पहला मेंबर होगा क्रोमियम। कितना नंबर है क्रोमियम का याद है किसी को आप में से? इट्स 24, 24। बराबर है। अब 24 है तो आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे वो मुझे बताओ। आर्गन कंप्लीट 3D5 4S1। अब देखो आपने 3D5 बोला है, अगर आप यही ट्रेंड में चले जाते तो आप क्या लिखते? ये 4D1 5S2 है, यहां पर 3D1 4S2 है, बाजू में क्या आएगा 3D2 4S2 आएगा, उसके बाजू में क्या आएगा 3D3 4S2 आएगा, उसके बाजू में तो आना चाहिए 3D4 5S2, ओ सॉरी 4S2। तो आपने तो क्या कहा, 3D5 और 4S1 कहा वाई, बस ये आपको पता होना चाहिए, तो काम खत्म। बोल दो रीजन क्या सर है। आप फील्ड से लेना ज्यादा स्टेबल होता है। गुड, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स है वो इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये 3D4 है और 4S2 आएगा ही, बट 4S का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करके कहां पर चला जाएगा 3D में, क्योंकि ये दोनों जो है वो स्टेबल हो जाए। 3D5 मतलब हाफ फील्ड, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ये 5 अकोमोडेट कर लेगा, तो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट होता है, और इसे हम क्या कहेंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहेंगे। तो ये होगा 3D5 4S1। तो यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है, और दूसरा कौन सा एक्सेप्शनल केस था याद करिए, क्रोमियम के अलावा। कॉपर कॉपर यस, और उसका नंबर है 29, मतलब ग्रुप नंबर 11। ये ग्रुप होगा 11 नंबर और ये ग्रुप होगा 6 नंबर। ये दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी एक्सेप्शनल है, बाकी तो ट्रेंड चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपको ये कहे कि डी ब्लॉक की कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे, क्या यही दिखा दोगे मैंने जो ऊपर लिखा है वो, या कुछ चेंज करोगे उसमें? NS1 और 2 आएगा और N-1D 1 2 10 आएगा, ये याद रखिए कि 1 से 10 के बीच में ही होंगे डी में इलेक्ट्रॉन, और NS जनरली तो 2 ही होता है, बट क्रोमियम और कॉपर ऐसे है जिसके ग्राउंड स्टेट में वो 1 है, इसलिए हम वहां पर 1 और 2 लिख सकते हो। कई सारी बुक में सिर्फ 2 लिखा होगा तो कोई गलती नहीं है, 1 और 2 होता है, आप 2 लिख सकते हो, क्योंकि 1 वाले एक्सेप्शनल केस गिने जाते हैं। तो ये डी ब्लॉक की जो है वो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई, ये याद रखिए, बराबर है। और एफ ब्लॉक जो है थोड़े ज्यादा हेवियर है, जिसके एटॉमिक नंबर बहुत बड़े हैं ऐसे है, तो हम सिर्फ उसकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको बताएंगे कि एफ ब्लॉक जो है, जो नीचे आइसोलेटेड 2 रोज होती है पीरियोडिक टेबल में, वो एफ ब्लॉक जो है उसकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-2 F1 to 14 N-1 D 0 और 1 एंड NH2। एक्चुअली में क्या होता है पता है उसमें, ये पहले एस ऑर्बिटल भरती है, बाद में डायरेक्ट एफ भरती है, बाद में डी भरती है, या तो डी में एक आध इलेक्ट्रॉन आ जाए बाद में एफ भरना शुरू होता है, वो फुली फिल हो जाए बाद में डी जाती है। इसका मतलब ये बाहरी सेल जो भरता है उसके बाद तुरंत एकदम इनर ऑर्बिटल भरती है, सिर्फ पहली वाली नहीं बट एकदम इनर भरती है, ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होता है। तो ये सीरीज जो है, जो 2 आइसोलेटेड रोज है, उसे इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। डी ब्लॉक को क्या कहा जाता था, ट्रांजिशन सीरीज, ये एफ ब्लॉक है उसे क्या कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन एफ ब्लॉक, कैन एनीवन रिमेंबर दैट, कितने हैं टोटल एफ ब्लॉक में, कितने एलिमेंट्स है या होने चाहिए? एफ ऑर्बिटल कितने टाइप की होती है याद करो जरा,
सेवन टाइम्स सेवन, वेरी गुड। अगर एफ ऑर्बिटल सेवन होती है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 14। 14, और दो ऐसी लाइनें 14 14 की, तो एलिमेंट कितने हुए? 28 होंगे ना। हाँ, तो कोई आपको पूछे, अगर आपको कहा जाए कि भाई एफ ब्लॉक जो है उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 28 एलिमेंट होते हैं, ये आपको आंसर देना है, बराबर है। तो इसे इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है एफ ब्लॉक को। पहले दो ग्रुप है उसे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, और कंबाइंडली एस ब्लॉक कहा जाता है। बीच वाले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, 10 ग्रुप है, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। और लास्ट 5 ग्रुप्स जो है 13 से लेकर 18, उसे पी ब्लॉक कहा जाता है, और दूसरे नाम भी है उसमें 15 16 15 भी रहने दो, 16 17 18 पूछे जाते हैं। 16 को चालकोजेंस कहा जाता है, याद रखिएगा। 17 को हेलोजेंस कहा जाता है, ये आपको पता होगा, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसे हेलोजेंस कहते हैं। और 18 ग्रुप जो है उसे इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहा जाता है। बराबर है, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस किसको? 18th वन को। 17th को क्या कहा जाता है? हेलोजन। और 16th को क्या कहा जाता है? चालकोजेंस कहा जाता है। और दूसरे ऐसे नाम भी है कई बार कि जो ये पहला मेंबर बोरोन है 13 ग्रुप का, तो ये फैमिली को बोरोन फैमिली कहा जाएगा, ये ग्रुप को बोरोन ग्रुप या बोरोन फैमिली कहा जाता है। ये 14 ग्रुप का पहला मेंबर कार्बन है, तो उसे कार्बन फैमिली कहा जाता है। ये 15 ग्रुप का पहला मेंबर नाइट्रोजन है, तो उसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। इस तरीके से हर एक पहले पहले मेंबर को उसकी फैमिली ऐसा नाम दिया जाता है, मतलब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरिन है तो फ्लोरिन फैमिली। दो एक्सेप्शनल केसेस थे जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया आपके पास, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, तो वो आना तो चाहिए फर्स्ट ग्रुप में ही, और ये लोगों ने पीरियोडिक टेबल में दिखाया भी है फर्स्ट ग्रुप में, और ये गलत नहीं है, बट एक्चुअल चीज ये कही गई है पीरियोडिक टेबल बनाने के टाइम कि 1s1 का मतलब है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 1s2, मतलब उसकी जो सेल है फर्स्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल भी हो सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दे तो ये पूरा एम्प्टी भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। और ये जो उसके गुण है वो हेलोजन के साथ भी मैच होता है, क्योंकि हेलोजन में मतलब 17 ग्रुप में क्या कॉन्फ़िगरेशन थी? NH2 NP5, और इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये नोबल गैस जैसा बन जाता है, नियरेस्ट नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है। NH2 NP5 तो NH2 NP6 हो जाता है, तो हाइड्रोजन में भी ऐसा ही होता है। देखो, हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो हीलियम जैसी मतलब 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, और हीलियम नोबल गैस जैसी सारी प्रॉपर्टी पजेस करता है, भले ही वो 1s2 मतलब सेकेंड ग्रुप जैसी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन शो करता हो NH2 जैसी, बट उसके गुण सारे नोबल गैसेस जैसे है, वो इनर्ट है और गैस भी है। तो ये जो चीज है उसकी सारी प्रॉपर्टी मैच होती है 18th ग्रुप के साथ, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भले ही सेकेंड ग्रुप जैसी है बट प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी देनी, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा था सभी ने, इसलिए उसे लास्ट जो ग्रुप है 18th ग्रुप है उसमें रखा गया है, वो आपको याद रखना है, बराबर है। तो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट में भी आ सकता है, 17th में भी आ सकता है, ये कंफ्यूजन है। तो ये लोगों ने क्या कहा पता है? इसमें भले ही यहाँ फर्स्ट ग्रुप में लिखा हो, आपको लिखना है पीरियोडिक टेबल के बीच में हैंगिंग पोजिशन में हाइड्रोजन है, मतलब अभी तक हाइड्रोजन की परफेक्ट प्लेस जो है वो डिसाइड नहीं हुई है। उसे आप फर्स्ट ग्रुप में रखो तो भी कोई मना नहीं कर सकता, उसे आप यहाँ 17th ग्रुप में लास्ट सेकेंड ग्रुप में रखो तो भी कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच होती है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी 17th ग्रुप जो है उसके साथ मैच होती है, तो उसे इन बिटवीन रखा गया है, उसका कोई परफेक्ट प्लेस नहीं है। और हीलियम जो है वो आना चाहिए यहाँ पर, सेकेंड ग्रुप का पहला मेंबर होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज देखे तो, बट सारी प्रॉपर्टी 18th ग्रुप के नोबल गैस जैसी है, इसलिए उसे कहां पर रखा गया है? लास्ट ग्रुप में सबसे ऊपर रखा गया है, ये याद रखिए। तो ये बात थी कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है। पीरियड मैंने पहले इसलिए नहीं लिया, पीरियड्स जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इजी है, सिर्फ आपको ये पता लगाना है, जैसे कि
पहला पीरियड है, सिर्फ दो एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, बराबर है, दो ही एलिमेंट है। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो अगर, तो एक की 1s1 है और एक की 1s2। आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा क्वांटम नंबर पर, मेन क्वांटम नंबर पर, बराबर है। दूसरा जो पीरियड है वो लिथियम से शुरू होता है, बराबर है, 2s1 से लेकर नियोन पर खत्म होता है, 2s2 2p6 लास्ट में आता है, हीलियम कंप्लीट लिखते हैं, बराबर है। ये 3s1 से शुरू होता है और कंप्लीट होता है नियोन कंप्लीट, 3s2 3p6। क्या कॉमन लग रहा है आपको? देखो फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है, सेकेंड ग्रुप में क्या कॉमन है, आप देखो थर्ड ग्रुप, ग्रुप मतलब पीरियड की अभी बात कर रहे हैं, तो थर्ड पीरियड में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? एक चीज कॉमन है, आप ध्यान से देखो तो सेल नंबर, या फिर हम उसे कहते हैं आउटर मोस्ट जो सेल है, वेलेंस सेल है, उसका नंबर कॉमन है। आप देखो इसमें 2 ही है, इसमें 3 ही है, और आउटर मोस्ट सेल का जो नंबर होगा वही उसका पीरियड का नंबर होगा। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। हाउ मेनी टोटल पीरियड्स आर देन इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, किसी को याद है? सेवन सेवन बराबर ना, सेवन टोटल पीरियड है। इसका मतलब ऐसे ही कहां तक चलेगा? सेवन तक चलेगा। ये है 4s1, तो यहां पर लास्ट में 4s2 4p6 आएगा, तो n इज इक्वल टू 4 होगा, ये याद रखिए, बराबर है। 5s1 से पीरियडिक टेबल शुरू होगा और सारे 18 इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख दो तो क्या होगा? 5s2 5p6, ये नोबल गैस की कंफिग्रेशन आ जाएगी, n इज इक्वल टू 5, बराबर है। तो ये जो चीज है वो पीरियड्स के लिए, उसमें सिर्फ ये याद रखना है कि नंबर ऑफ पीरियड शोज द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल, बराबर है। उसमें न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, देखो तो, बट सेल का नंबर नहीं बढ़ता। ये स्टेटमेंट याद रखना, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पीरियोडिसिटी पढ़ने वाले, एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, उसमें ये बात खास याद रखनी है कि अगर कोई एक पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसका सेल नंबर तो सेम रहता है, बट न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता है और इसकी वजह से उसकी रेडियस कम होती है, और इसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर का चार्ज है, उसकी इफेक्ट बढ़ती है, तो उसे क्या कहा जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बराबर।